सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? दिस इज नेहा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ब्यूटी टिप्स लेके आई हूँ जो हमेशा लेके आती हूँ। आज मैं स्पेशल कुछ लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। दोस्तों, आपने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि मेरी स्किन सॉफ्ट क्यों नहीं हो रही है और मेरी स्किन जो एक दर्दरी सी अजीब सी रूखी रूखी हो गई, उसको कैसे मैं छुटकारा पा सकती हूँ। तो बिल्कुल आप पा सकती हैं। अगर आपकी स्किन में अगर ऐसा कुछ हो गया है, जैसे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ही फटी फटी हो गई है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियों के दिनों में होता क्या है कि स्किन हमारी बहुत ज्यादा ही रूखी हो जाती है, और रूखी के साथ साथ अगर आप उस पर कुछ चीजें अप्लाई करते हो तो वो एकदम जैसे कि एक होता है ना फूला फूलापन, वो फूला फूलापन आ जाता है जिसकी वजह से आपका मेकअप प्रॉपर अच्छा सा दिखता नहीं है और आपकी स्किन अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों, इस रेमेडी को मैं जो लेके आई हूँ, आपके पूछा था उस हिसाब से मैं लेके आई हूँ, तो आप बिल्कुल ही करेक्ट वीडियो पे आए हैं। अगर आप इस मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अपनी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जैसे आजकल छोटी न्यू बॉर्न बेबी के होती है स्किन, तो वैसी स्किन चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इन चीजों को फॉलो कीजिए तो आपकी स्किन में वैसी ही हो जाएगी, शाइन आ जाएगी आपके चेहरे पे, और आपके गाल जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और जैसे कि जो स्किन आपकी बहुत ज्यादा ही कहीं कहीं से रफ हो गई है वो भी निकल जाएगी। रफ जो स्किन होता है उसका निकल जाना ही ठीक होता है। जब वो निकल जाती है तो हमारी न्यू स्किन आती है, और न्यू स्किन आने के बाद वो जो सॉफ्टनेस होती है वो बहुत अच्छी होती है। स्किन आती है तो वो अलग ही रौनक होती है ना। तो एक होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है हर चीज का। अगर आप जैसे कपड़े भी लेते हो तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम के बाद वो भी भड़े हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारी स्किन का है कि हमारी जो स्किन होती है वो एक टाइम पीरियड होता है उसका भी, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो हमारी स्किन में फर्क जरूर आता है। तो उस फर्क का सोल्यूशन देखा जाए, उस फर्क का सोल्यूशन ढूंढा जाए, है ना। तो जैसे कि जो मौसम है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि मौसम का अप डाउन तो लगा ही रहता है। स्किन को चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है, हमें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बाहर से कुछ नहीं मंगाना है, घर का ही सामान है, उससे आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी स्किन को सॉफ्ट बना सकते हैं, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ही अच्छी दिखने वाली है। उसकी वजह से आपका चेहरा बहुत ज्यादा निखर जाएगा, और अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे आप छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, तो इस रेमेडी को बनाने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम थोड़े से राइस लेंगे। तो राइस का पाउडर ले लीजिए। तो मैंने ये राइस का पाउडर लिया है। जो राइस का पाउडर होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होता है, क्योंकि जो राइस होते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये दाग धब्बे दूर करने के लिए सक्षम होती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़े से राइस लिए हैं। अच्छा, मैं फिर लेती हूँ खाली बाउल, एक खाली बाउल ले लीजिए। तो दोस्तों, मैंने ये राइस पाउडर लिया है। तो आप राइस पाउडर मार्केट वाला भी मंगा सकते हैं, क्योंकि पिसा हुआ आप चावल का आटा मंगा सकते हैं। अगर आपको चावल का आटा घर में पीसना है तो घर पे चावल का आटा बना लीजिए, उसका चावल का आटा निकाल लीजिए। तो देखिए, अच्छे से मैंने निकाल लिया, खूब महीन कर लिया है, और थोड़ा सा दरदरा, हल्का सा दरदरा रह जाता है, कितना भी आप महीन करो तो थोड़ा सा जो घर में पीसते हैं थोड़ा सा दरदरा रहता है, तो दरदरा ही हल्का सा चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं खाली बाउल ले लेती, बाउल ले लिया है, और खाली बाउल में मैं एक चम्मच डालूंगी। तो मैंने एक चम्मच ये डाल लिया है। उसके बाद मैंने कच्चा मिल्क ले लीजिए। तो मैंने कच्चा मिल्क लिया है, उसमें उसको भी मैं कम से कम एक से दो चम्मच डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसको, और उसके बाद मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा केसर वाला एलोवेरा। तो ये केसर वाला एलोवेरा है, ये मैं थोड़ा सा डालूंगी, जरा सा, करीब आधे चम्मच के करीब डाल लीजिए। थोड़े टाइम के लिए इसको रख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा फूल जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको पतला रखा है, अच्छे ही फूलेगा, तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा फूलने दीजिए। तो ये आपका स्क्रब पैक तैयार हो गया है आपकी स्किन के लगने के लिए। तो बस फूलने के बाद मैं इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करूंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको कि कैसे इसको आपको लगाना, स्टेप बाई स्टेप इसको लगाना है। तो देखिए, इसको आप चला लीजिए, बस ये फूलने के लिए आप इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। गाइस देखिए, ये रेमेडी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ज्यादा ही गाढ़ी हो गई है, अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है, बहुत ज्यादा पतली थी उस समय,
जब मैंने इसको फूलने के लिए रखा था, आप देखिए फूल गई है। कम से कम इसको 20-25 मिनट हो गए हैं। आप मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। आप अपने चेहरे पे ऐसे लगा लीजिए। आपको थोड़ा दोनों हथेली में लगाना है हाथों में और हल्के हल्के इसको रब करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि डेड स्किन ज़्यादा है, कभी कभी होता है कि हम लोगों के चिन पे बहुत ज़्यादा ही डेड स्किन हो जाती है, तो वहाँ पे हल्के हल्के आपको रब करना है। थम से ही कर सकते हैं आप, हल्के हल्के जैसे आपको सही लगे वैसे कर लीजिए आप। फोरहेड पे कर लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं मलना है आपको, बहुत हल्के हाथों से करना है। इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ही टाइट भी हो जाएगी और आपकी जो रफ स्किन है वो निकल जाएगी। ऐसा कम से कम आपको 15 मिनट करना है, तो आप 15 मिनट कर लीजिए। राइस में वो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी स्किन पे, जो दाग धब्बे होते हैं उनको दूर भगा देती है और इसको बिल्कुल जड़ से निकाल देते हैं। तो आप ऐसे इसको हल्के हल्के रब कर लीजिए चेहरे पे। और जो इसका जब आप इसको रब कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा आपको, क्योंकि चावल के हल्के से छोटे छोटे दाने होते हैं, तो आप इसको ऐसे ही झाड़ दीजिए। आप चेहरे को धोइए मत, ऐसे ही झाड़ दीजिए। देखिए बिल्कुल झाड़ दिया है, अब बिल्कुल साफ हो गया। अब 15-20 मिनट हो चुके हैं, मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब 15 मिनट बाद मैंने इसको बिल्कुल झाड़ दिया है, साफ हो गया। जब आप 15 मिनट कर लोगे तो आप खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे कि आपका चेहरा, खुद आप फील करेंगे कि आपका चेहरा इतना सॉफ्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टनेस आ गई है आपके चेहरे पे। आपके गाल, आपके फोरहेड, आपका नोज, आपकी चिन, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टनेस आ जाएगी आपके चेहरे पे, क्योंकि यहाँ से रफ स्किन निकल जाती है आपकी। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपकी ये तो रफ स्किन का सवाल आई, ये रफ स्किन आपकी निकल गई, ठीक है, आप एकदम चेहरा आपका सॉफ्ट हो गया, एकदम स्मूथ हो गया। उसके बाद करना क्या है कि आपके स्किन में एक जो चमक लाने के लिए हम एक पैक तैयार करेंगे, तो आपको वही कच्चा दूध लेना है जो हमने थोड़ा सा बचा लिया था, ये थोड़ा सा कच्चा दूध है। उसमें हम संतरे का पाउडर डालेंगे, जो ऑरेंज पाउडर होता है वो डाल लीजिए। तो मैंने ये ऑरेंज पाउडर मार्केट से मंगाया था, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको इजिली मिल जाएगा। तो ये ऑरेंज पाउडर थोड़ा सा आप कच्चे दूध में मिला लीजिए। आपको कुछ नहीं मिलाना है, आपको सिर्फ कच्चा दूध और ऑरेंज पाउडर मिलाना है। तो देखिए ये पैक तैयार हो गया है। इसको रखना भी नहीं है बहुत टाइम के लिए, तुरंत आपको लगा लेना है। तो देखिए मैं लगा लेती हूँ इसको। आपको आईज के ऊपर भी लगाना है, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप आईज पे भी लगा लीजिए। तो देखिए बिल्कुल चेहरे पे लग चुका है ये, अपने चेहरे पे आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। इसको कम से कम आपको जब तक रखना है जब तक ये सूख ना जाए, क्योंकि 5 मिनट भी सूख सकता है, ले सकते हैं 10 मिनट भी ले सकता है। तो आप जब तक सूख ना जाए तब तक आपको उसको रखना है, और सूखने के बाद उसको धो देना है आपको। और आपको धोने के लिए अगर बहुत ज़्यादा ही ठंड है तो आप गुनगुने पानी धो लीजिए, अगर गर्मी है तो आप सादे पानी से या हल्का सा ठंडा पानी भी ले सकते हैं, तो आप ठंडे पानी से धो लीजिए। तो फिलहाल मैं इसको सुखा लेती हूँ, सूखने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। अगर आप अपनी रफ स्किन से परेशान हैं, आपके चेहरे पे रौनक नहीं है, शाइन नहीं है, तो ये रेमेडी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
दोस्तों इसको आप बराबर आप इसको यूज कीजिए, हफ्ते में दो बार यूज करना है, आप दो बार इसको यूज कीजिए। स्क्रब आपको अगर लगता है कि अभी नीड नहीं है मुझे, तो आप भी मत कीजिए। अगर अगर ऐसे आपने एक बार कर लिया, अगर आपको हफ्ते में दो बार करना है, अगर आपको दूसरी बार लगता है कि मुझे अभी नीड नहीं है, तो आप खाली पैक भी लगा सकते हैं। और आपको लगता है कि मुझे दो हफ्ते हो चुके हैं या एक हफ्ता हो चुका है मैंने स्क्रब नहीं किया, तो आप एक बार स्क्रब कर लीजिए। अभी आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी, फिर आप महीने में एक बार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पैक का बराबर यूज कर सकते हैं, पैक आप दो दिन तीन दिन के बाद भी लगा सकते हैं, रोज भी लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है। आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपकी रफ जब रफ स्किन निकल जाएगी तो आपके चेहरे पे एक शाइन आ जाएगी, और जो भी आप मेकअप करेंगे तो बहुत ज्यादा ही आपके चेहरे पे खिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेमेडी के साथ। बाय बाय।